दोस्तों नमस्कार। दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में नई खुशियां, नई उम्मीदें, नई तरह की रोशनी लेके आए, यही मेरी कामना है आप सभी के लिए। मुझे भी पिछले कई सालों के दरमियान और ख़ासतौर से पिछले एक साल के दौरान जो प्यार, जो प्रोत्साहन आप सभी से मिला है, मेरे लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा है। हम सब के सब चाहते हैं कि अपने परिवेश को हम समझें, उसको अपने तई अभिव्यक्ति दें, और अगर इस समझने अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में कुछ और लोग भी शरीक हो सकें फिर तो कहने क्या। और यही वो चीज़ है जो हमारे होने को एक सार्थकता प्रदान करती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा जो ये रिश्ता पिछले इस अरसे के दरमियान पनपा है, बढ़ा है, वो ऐसे ही बढ़ता रहे और अपने नए आयामों को वो छू पाए। और साथ ही मित्रों, ये भी बात है कि हम सबके जीवन में रचना धर्मिता किसी न किसी अंश में बनी रहे। हम भौतिक रूप से कितनी भी यात्राएं कर लें पर फिर भी वो संतुष्टि, फिर भी वो मज़ा जीवन में नहीं आता। मज़ा जीवन में तभी आता है जब अपने आप की तरफ हम लौटते हैं। तो एक गृहिणी अगर हर रोज़ एक सब्ज़ी बनाती है, खाना बनाती है, उसके बावजूद वो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस रखे कि उसका वो काम रूटीन से हटके कुछ हो जाए। कोई शिक्षक है, कोई कर्मी है, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई कहीं पर भी है, जो उसके निर्धारित दायित्व हैं उन दायित्वों से परे जाके कुछ ऐसा जो उसके माँ से ना जुड़ा हो, जो बहुत बड़ी समष्टि का हिस्सा बनता हो, उसके साथ जुड़ता हो, ऐसा कुछ करें। तो मेरी तो यही कामना आप सभी के लिए कि रचना धर्मिता आप में जन्म ले, आप में बढ़े और आपके जीवन को आनंद से, खुशियों से भरे। और अगला एक साल और उसके बाद के कई साल हमारे बहुत शानदार तरीके से बीते। तो दीपावली के इस मौके पे वैसे तो बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है, जो बातें आपसे की जा सकती हैं, पर फ़िलहाल मुझे लगता है इतनी ही बातचीत आज के लिए पर्याप्त है। बाकी बातें तो आपसे लगातार होती रही हैं, होती रहेंगी। तो एक बार फिर से दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी दीपावली।